नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीस्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे औरैया की। तो औरैया में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय जल आयोग ने यमुना नदी का निरीक्षण किया है। तो लगातार हो रही बरसात के बाद नदियां उफान पर हैं, जहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। औरैया के शेरगढ़ घाट पर हथनी कुंड से छोड़े गए पानी के चलते औरैया यमुना नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लगातार पानी की हो रही बढ़त को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की निगरानी भी की जा रही है। वहीं केंद्रीय जल आयोग भी पूरी तरह से सतर्कता बनाए हुए है, और केंद्रीय जल आयोग की टीम ने यमुना नदी का इस दौरान निरीक्षण भी किया है। मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं उपमंडल अभियंता हमीरपुर का हूँ। ये हमारा स्थल औरैया है केंद्रीय जल आयोग का, और जैसा कि सूचना है कि हमारे क्या हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, लगभग 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी है, जो कि यहाँ आते रहते अप्रॉक्स हमारा वाटर लेवल जो आज की डेट में है 2.33 है, उससे हमारा लगभग 7 से 8 मीटर बढ़ने की संभावना है, और ये पानी लगभग सोमवार से लेकर मंगलवार तक आ जाएगा। मेरा नाम संदीप सिंह है। तो ब्रिटेन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है, जहां बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने चिंता जताई है, और बुलंदशहर में गंगा में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस कड़ी में डीएम सीपी सिंह ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी डीएम और एसएसपी समेत आला अधिकारियों ने घाट पर पहुंचकर खुद निरीक्षण किया था, जहां बुलंदशहर में गंगा खतरे के निशान से नीचे बताई जा रही है, और बुलंदशहर में गंगा करीबन 65 किलोमीटर क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां प्रशासन की तरफ से बाढ़ को देखते हुए 14 चौकियां, प्राप्त गोताखोर, नाव समेत माकूल व्यवस्था के इंतजाम कराए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बुलंदशहर में गंगा जी लगभग 65 किलोमीटर के क्षेत्र में अमरोहा संभल जनपद को टच करती हुई निकलती हैं। अभी अपने जनपद में बाढ़ की जलस्तर तो बढ़ा है, पर बाढ़ की स्थिति नहीं है। लगभग 178.10 के आसपास हमारे यहाँ का लेवल है, और जो डेंजर लेवल है उससे बहुत ऊपर है। हमारे यहाँ नरोरा में बैराज भी है, उससे सफिशियंट मात्रा में नीचे पानी छोड़ा भी जा रहा है, और बरसात आप जैसा कि देख रहे हैं लगातार 4-5 दिनों से हो रही है। जलस्तर अभी और बढ़ेगा, लेकिन हमने सारी तैयारी कर रखी है, चाहे वो गोताखोर की तैयारी हो, चाहे नाव की तैयारी हो, चाहे शिफ्ट करने के लिए बाढ़ चौकियों की तैयारी हो। लेकिन विगत अगर पिछले 15-20 साल 25 साल की एनालिसिस की जाए तो ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां मथुरा में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर डीएम ने यमुना का निरीक्षण किया है। तो यमुना के नदी में हो रही लगातार जलस्तर की बढ़ोतरी को देखकर डीएम पुलकित खरे ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने गोकुल बैराज और उसके आसपास के घाट पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बता दें कि डीएम ने यमुना किनारे रह रहे ग्रामीण नाविक और गोताखोरों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली है, जहां डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ यमुना नदी के जलस्तर के बारे में जानकारी ली और फिर नाव से पूरे नदी का दौरा किया। इस दौरान डीएम पुलकित खरे ने बताया है कि यमुना का जलस्तर अभी सामान्य है, जिससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जहां प्रशासन की टीम घाटों और गांव का निरीक्षण लगातार कर रही है, डीएम ने बताया कि यमुना के किनारे गांव में बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जहां 24 घंटे कार्यकर्ताओं और लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। 24-36 घंटों में लगातार यमुना जी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसमें दिल्ली से जो पानी छोड़ा गया है और जो भारी वर्षा पहाड़ी क्षेत्रों में हुई, उसका प्रभाव अब मथुरा में देखने को हो रहा है। अभी भी जो सुबह का आकलन था, सुबह हमारा यमुना जी का स्तर वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है, और इसके बाद जो डेंजर लेवल होता है वो भी संभवतः अगले 24 घंटे काफ़ी क्रिटिकल है। उसमें भी जैसे पानी बढ़ रहा है, वहाँ पर भी पहुँच सकता है। हमने 60 गाँव ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जो संवेदनशील हैं, और इन संवेदनशील गांवों में बाढ़ चौकियां स्थापित। तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात ओम बीर अपनी फैमिली के साथ है, अपने बच्चों को लेकर सो रहा था, और रात बारिश के कारण वो छत टूट गई और सील गिर पड़ी बच्चों के ऊपर, वो काफी चोट आई है। अब हम इन्हें बागपत सरकारी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं इनके इलाज के लिए, और मैं तो ये चाहता हूँ सरकार से इनकी कुछ मदद जो भी हो सके इनकी मदद की जाए। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई किसी की छत कच्ची छोड़ी है, लेकिन छत कैसे कच्ची रही, डाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनकी छत पहले से ही कच्ची है जी।
ब्रिटेन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर बागपत में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो बागपत में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, तो वहीं बड़ी संख्या में हरिद्वार से जल लेकर शिवभक्त कांवड़िया पूरा महादेव के लिए आना शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में एसपी अर्पित विजयवर्गीय, एएसपी मनीष मिश्र, सीओ विजय चौधरी और एसडीएम सुभाष सिंह ने कांवड़ मार्ग का पैदल निरीक्षण किया, जहां एसपी की तरफ से कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कांवड़ मार्ग को समय पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे हमारे शिव भक्त कांवड़िए जल लेकर के हरिद्वार से पहुंच रहे हैं, जो हमारा पूरा महादेव मंदिर है उधर की तरफ। रूट पर पड़ने वाले जगह जगह जितने भी हमारे संवेदनशील स्थान हैं या जितने भी हमारे ऐसे निर्जन स्थान हैं जहां पर की पॉपुलेशन कम है, शिविर नहीं लगे हैं, वहां सब पूरा का पूरा मुकम्मल पुलिस की व्यवस्था की गई है। वहां पर जो है लाइट लगवाई गई है, सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, आईपी कैमरे लगवाए गए हैं, हमारी पुलिस मुस्तैद है। इनके लिए हम लोगों ने वॉच टावर्स बनवा रखे हैं, मचान बनवा रखी है, शिविर जगह जगह लगवाए गए हैं ताकि इनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और प्राथमिक स्वास्थ्य के जो शिविर लगाए गए हैं वो भी लगाए गए हैं, वहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो सुरक्षा और जो इनकी जो है देखभाल के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। तो ब्रिटेन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहाँ डीएम और एसएसपी ने आने वाले कांवड़ यात्रा में आने वाले कांवड़ियों का स्वागत किया है। तो बुलंदशहर के गोलावटी में डीएम और एसएसपी ने शिवरात्रि से पहले जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का फूलमाला बरसाते हुए जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिला कलेक्टर सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों पर फूल की बारिश की। इसके साथ ही सामाजिक सौहार्द की मिसाल दिखाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन ने अधिकारी समेत बाकी लोग कांवड़ियों के स्वागत के लिए मौजूद रहे, जहां लोगों के लिए इस दौरान कांवड़ मार्ग और कांवड़ शिविर का पुलिस ने निरीक्षण भी किया है। तो ब्रिटेन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री असीम अरुण गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों पर जमकर फूल बरसाए हैं। तो गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर मेरठ तिराहे पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया और साथ ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, जहां उनके साथ गाजियाबाद के जिलाधिकारी, मेयर और कमिश्नर मौजूद रहे। गाजियाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को जिस भाव के साथ हमारे श्रद्धालु संकल्प लेते हैं, उसको पूरा करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, योगी जी द्वारा बहुत ही विस्तृत निर्देश दिए गए। उसको मैंने आज गाजियाबाद में चेक किया, ब्रीफिंग ली, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। नगर निगम ने, पुलिस ने और सबसे बड़ी बात हमारे नागरिकों ने स्वयं कैंप लगाकर। ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पूर्व विधायक के घर चोरी का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि शहर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने पूर्व विधायक के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और चोरों की तलाश में जुट गई, जहां चोरों की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल शहर कोतवाली इलाके के पॉश कॉलोनी डेपियर नगर में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व विधायक और बीजेपी नेता के घर को निशाना बनाया, जहां अज्ञात चोर बाउंड्री कूदकर कोठी में घुसे। यहां चोरों ने रसोई में बनी खिड़की से लगी रॉड को निकाला और उस रसोई के रास्ते से घर के अंदर घुस गए। बता दें कि पूर्व विधायक ने बीजेपी की सरकार में हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए पुलिस से जल्द खुलासे की मांग की है। तो वहीं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने चोरी की वारदात के खुलासे के लिए कई टीमें भी गठित कर दी हैं। हर आदमी ये कहेगा कि यार आपके यहाँ हो गई, आपके यहाँ हो गई, और डैम्पियर जैसी जगह में, पॉश कॉलोनी में, चौकी भी 500 मीटर है, ऐसा थोड़े ये। परंतु चौकी वाले भी क्या करेंगे, 3 बजे घुसे हैं और 2 घंटे रहे हैं, पहले 20 मिनट उस मकान में कोशिश की है, फिर इसमें रॉड तोड़ी है, रॉड तोड़ करके घुसे। बहुत हर आदमी ये कहेगा कि यार आपके यहाँ हो। ब्रिटेन में बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने करबला की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। तो फरुखाबाद के कयामगंज गांव टिलिया समेलपुर में
राजस्व और पुलिस की टीम ने मिलकर करबला और कब्रिस्तान की जमीन को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया है। जहां सलेमपुर में ग्रामीण सालों से करबला के कब्जे पर जमीन पर कब्जा किए हुए थे, जिसे खाली कराने के लिए कुछ ग्रामीणों की तरफ से लगातार शिकायत की जा रही थी। अब राजस्व और पुलिस ने इसको लेकर कार्रवाई की है, जहाँ राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने 12 बीघा जमीन को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त करा लिया है। इसमें सर यह है, हर साल हमें जो है पुलिस प्रशासन की मदद लेना पड़ती है। गांव वाले विरोध करते हर साल के, हम प्लेथो बनाएंगे, ये करेंगे, गंदगी बेतहाशा करे हुए हैं। लगभग करबला की जगह कितने बीघा की है लगभग? ये जो है 364 हेक्टेयर जो कहलाती है ये है। इसमें ये लोग जो है आए दिन कब्जा, अगर हम आएंगे साफ सफाई के लिए, जब भी सब गांव वाले इकट्ठा होकर लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। कब्रिस्तान की कितनी जगह? ब्रिटेन के आखिरी बात फैमिली की कर लेते हैं, जहां 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो शामली में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि शामली में टॉफी खिलाने के बहाने एक फैक्ट्री के कर्मचारी ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची देर शाम को घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी उसे बहला फुसला कर अपने साथ लेकर गया, जहां घटना के बाद बच्ची बदहवास हालत में घर पहुंची, जहां उसने पूरी बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद गुस्साए परिजन ने फैक्ट्री में आरोपी को खुद ही पकड़ने गए, जहां आरोपी को परिजन थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस ने इस मामले की शिकायत की है और पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया है, जिसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे मुजफ्फरनगर हायर सेंटर रेफर किया गया। कि उनकी बच्ची जो है वहाँ पास में एक कारखाना है और एक बैग बनाने का कारखाना, उसके पास ही एक जो है जो रिटेल शॉप है वहाँ पर उनकी बच्ची खेलने गई थी और कारखाने के एक कर्मी ने जो है उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, ऐसी शिकायत दी थी। तत्काल प्रकरण में जो है अभी पंजीकृत किया गया है, जो बच्ची है उसका मेडिकल करवाया गया और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत FIR की गई। जो अभियुक्त है नामिर नाम है उसका, उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया है, विशेष कस्टडी में भेजा गया है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC News।